केजरीवाल की गिरफ्तारी के दूसरे दिन हंगामा, संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी हुई, यह कहना संजय सिंह का। झूठे मुकदमे में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, यह बयान संजय सिंह ने दिया। और यह देखिए हाथों में तख्ती लेकर किस तरीके से संसद भवन परिसर में आज आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए। तो ये जो सीबीआई का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसता हुआ नजर आ रहा है, उसके मायने क्या है वो भी आप समझिए। उसके बाद इस पर जो सियासत हो रही है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। साबित करना है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, जन सेवकों ने पैसा लिया, ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं। अब केजरीवाल को अभियुक्त बनाना चाहती है सीबीआई। अप्रैल में कहा था कि केजरीवाल गवाह हैं, अभियुक्त नहीं। अगर केजरीवाल अभियुक्त बने तो लंबे समय तक जेल में रहेंगे, यानी जेल जाना पड़ेगा लंबे वक्त के लिए उन्हें। केजरीवाल को जमानत मिलने में भी काफी देर होगी, उनकी मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सीधे मैं आपको दीपक रावत के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या यही वजह है जो हम खबर भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस तरह से एग्रेसिव है अब? बिल्कुल, इसलिए अग्रेसिव है क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, और इस वक्त पार्टी को अरविंद केजरीवाल की जरूरत सबसे ज़्यादा है क्योंकि कोई पार्टी लीडरशिप में ऐसा नेता नज़र नहीं आता जो कि पार्टी के विधायकों को, नेताओं को एकजुट करके आगे बढ़ा सके। लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट में स्टे लगा उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि अब कोई और चारा बचता नहीं है, संसद में आवाज़ उठा सकते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हैं तमाम जो नेता हैं इंडिया गठबंधन के, बाकी दलों के, उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश इस वक्त संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो कर रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ कल मुलाकात की, उनको लेकर LNJP अस्पताल भी गए जहाँ पर आतिशी उपवास पर थी और उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनसे मिलवाने ले गए, और अखिलेश यादव ने कहा जो कहा हो रहा है गलत हो रहा है। और सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बात करें संजय राउत से भी उन्होंने बातचीत करी है, तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी बहिष्कार किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, और सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि जब सदन में चर्चा शुरू होगी तो इस मुद्दे पर तमाम विपक्ष एक साथ एकजुट हंगामा भी करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।